नमस्कार, सुप्रभात। पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के शिक्षा जगत के समाचारों में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं शिक्षा जगत के समाचारों के साथ। शिक्षकों को पुरस्कार के मिलेंगे अंक। शिक्षा राज्य मंत्री फेसबुक लाइव के जरिए रूबरू। फेसबुक पर इन सवालों के भी दिए मंत्री ने जवाब। संस्कृत कॉलेजों में 31 मई तक अवकाश घोषित। नीट व जेईई मेन के आवेदन में सुधार अब 3 मई तक। लॉकडाउन में सरकार ने शुरू की ई लर्निंग। विद्यार्थी कर रहे पाठ्य सामग्री का इंतजार करता 6 से 9 का नहीं आ रहा कंटेंट। संघ ने कहा जल्द घोषित हो परिणाम। अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं। विद्यार्थियों इंटर्नशिप में हो सकती है देरी। वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर। रीट अब 1 माह बाद 2 सितंबर को शिक्षकों को वेतन जल्द मिलेगा। इग्नू बीबीए कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून तक। बच्चे ले रहे स्माइल प्रोजेक्ट से शिक्षा। कोरोना महामारी में हटाए गए कंप्यूटर शिक्षक, निःशुल्क सेवा देने को तैयार। अनिवार्य इंग्लिश मीडियम शिक्षा पर आंध्र सरकार को झटका। लॉकडाउन में निःशुल्क करें ऑनलाइन कोर्स। आइसोलेट किए मरीज को घर में ही रहने के लिए कहने पर शिक्षक पर किया तलवार से हमला। कर्फ्यू पास के लिए पूछने पर 2 जवानों को भाइयों ने पीटा। जेएनयू ने लॉन्च किया पोर्टल। 1000 रिक्त पदों पर यूट्यूबी यानी संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाए। पुलिस कांस्टेबलों की इंटर रेंज ट्रांसफर करने पर रोक। एमबीबीएस में भी अब ऑनलाइन क्लासेज। मिक्सर पुस्तकों से स्टूडेंट्स घर बैठे फ्री स्टडी कर सकेंगे। भारतीय महिला टीम वनडे 2021 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड। रेलवे में नौकरी के लिए आए सभी अभ्यर्थी होम क्वारंटाइन। कोरोना संकट के बीच विपरीत परिस्थितियों में जीत की कहानी सुपर 30 के आनंद कुमार के शब्दों में। राजस्थान सहित दुनिया के 90,000 स्कूल जूम ऐप से करा रहे ऑनलाइन पढ़ाई। यहीं से डाटा चुरा रहे साइबर अपराधी। राजस्थान में 21 से मॉडिफाइड लॉकडाउन। ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होगा। सरकारी कार्यालय फेज वाइज खोले जाएंगे, अशोक गहलोत। देश में 170 जिले हॉटस्पॉट। जयपुर सहित 11 जिले राजस्थान में। रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 15 मई की। पीएफ खाते से रकम निकालने के नियम हुआ बदलाव। लॉकडाउन में छूट की केंद्रीय मंत्रालय ने गाइडलाइंस की जारी। 835 आरएस अफसरों को सरकार देगी प्रमोशन। शिक्षक सम्मान के लिए चयन का आधार बनेगी कोरोना वायरस के रूप में शिक्षकों की ड्यूटी। कोरोना महामारी में हटाए गए कंप्यूटर शिक्षक, निःशुल्क सेवा देने को तैयार। सितंबर माह में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट। शिक्षा विभाग के 55 कर्मचारियों को नोटिस जारी। कोरोना ड्यूटी दे रहे शिक्षकों पर जानलेवा हमला। शिक्षा मंत्री का फेसबुक लाइव से जुड़े 16,000 लोग। आए 53,000 कमेंट। लाखों बच्चों को हो रहा फायदा। थ्योरी पेपर में 20% सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। घर बैठे कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को मिलेगा कैरियर मार्गदर्शन। परीक्षाओं और आगामी सत्र में देरी होना लगभग तय। जिन विषयों में कम परीक्षार्थी पहले होंगी उनकी परीक्षाएं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस पर क्या कर रही सरकार, हाईकोर्ट। कोरोना लॉकडाउन पीरियड में सरकार यूट्यूब पर चला रही प्रेरक रचनाएं और बापू के संबोधन। आरयू के प्रिंसिपल कर रहे हैं रिसर्च, लेक्चर तैयार कर ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं शेयर। इमरजेंसी मेडिसिन की एक भी सीट नहीं मेडिकल पीजी में। पॉलिटेक्निक कोर्स अब यूट्यूब पर। सिविल सर्विस परीक्षा पर नया आदेश नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से पीजी की 915 सीटें बढ़ाई। नीट व जेईई मेन के आवेदन में सुधार अब 3 मई तक। मई में हो सकती है राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं। राजस्थान सरकार ने कोविड इन्फो नाम से मोबाइल ऐप किया जारी। अब सीएसीएस वैल्यूआर की ट्रेनिंग भी होगी ऑनलाइन। बुक्स को गूगल ड्राइव से कर सकते हैं डाउनलोड। एनसीईआरटी जीमेट परीक्षा 20 अप्रैल से ऑनलाइन। अग्नि परीक्षा पास की तो ई कॉमर्स को अनुमति। गाँव में लगी फैक्ट्री चलेगी। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने वाले रेल कर्मियों की बड़ी चिंता। कर्मचारी कर रहे हैं अप डाउन। वेतन नहीं मिलने से परेशान है शिक्षक। मोटा वेतन फिर भी खाद्य सुरक्षा से मौत। शिक्षा विभाग के 55 कार्मिकों को वसूली नोटिस। शिक्षक रहा अनुपस्थित को किया निलंबित। बदलाव, कॉलेजों की परीक्षाएं जून में, 31 मई तक किया ग्रीष्मावकाश घोषित। बोर्ड के 20 लाख छात्रों का परिणाम प्रभावित। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ेगा असर। 1 महीने पहले बेरोजगार हो जाएंगे सैकड़ों प्राइवेट शिक्षक। नहीं बिगड़ेगा भर्तियों का गणित। 31,000 पदों के लिए सितंबर में रीट और साथ में आएगी व्याख्याता भर्ती। शिक्षक पर बिस्किट चोरी के आरोप की निंदा।
बिस्किट मामला ग्राम विकास अधिकारी ने जताया खेद। 2.25 लाख शिक्षक कोरोना के कर्मवीर। ग्राम विकास अधिकारी का कर्तव्य अमानवीय शर्मसार करने वाला शिक्षा मंत्री डोटासरा। 2 सितंबर को होगी रीट। 3000 स्कूल लेक्चर पदों पर भर्ती जल्द। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिभावकों स्टूडेंट्स को फेसबुक लाइव पर दी जानकारी। ग्रेड सेकंड के अध्यापकों को भी जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो आज के शिक्षा जगत के समाचार यहीं होते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।